नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण पटेल। आप देख रहे हैं टेक्निकल पीके यूट्यूब चैनल। इन्फिनिक्स ने इंडिया में अपना इन्फिनिक्स हॉट 10 को लॉन्च कर दिया है। तो फोन में क्या है खास चीजें, क्या है प्रोज, क्या है कॉन्स, हम स्टेप टू स्टेप बात करते हैं। तो चलिए बिना किसी बकवास के आपको मैं सारी चीजें बता देता हूँ। तो बात करते हैं कुछ अच्छी चीजों की। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के लिए इस स्मार्टफोन में दिया गया है मीडियाटेक हीलियो G70, जो कि गेमिंग और मल्टीटास्किंग दोनों करने के लिए एक अच्छा प्रोसेसर है। नंबर टू, बैटरी लाइफ, 5200 mAh की बैटरी दी गई है विथ 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जो कि आपको एक से डेढ़ दिन की बैटरी बैकअप देने के लिए काफ़ी है। बात करते तीसरे नंबर की, जो कि डिज़ाइन। इस स्मार्टफोन को डिज़ाइन को देख के मुझे लगता है कि ये कुछ सैमसंग के स्मार्टफोन्स की याद दिलाती है, लेकिन इसमें आपको वी टाइप के पैटर्न्स देखने मिलते हैं। तो डिज़ाइन पॉलीकार्बोनेट का है, अच्छी बॉडी है, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बिल्ड है, लेकिन 10,000 के रेंज के हिसाब से एक अच्छा बॉडी बिल्ड दिया गया है। नंबर फोर, डिस्प्ले। डिस्प्ले इसमें आपको पंच होल डिस्प्ले देखने मिलती है, 6.78 इंच की HD+ की डिस्प्ले देखने मिलती है। और इस डिस्प्ले में एक अच्छी बात है कि 480 निट्स की ब्राइटनेस देखने मिलती है, जो कि आपको कड़ी धूप में भी देखने के लिए काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस वाली फीलिंग देगी। नंबर फाइव, इसमें हमें ट्रिपल स्लॉट मिलते हैं, जिसमें कि आप दो सिम कार्ड्स और एक मेमोरी कार्ड को एक साथ में यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है, क्योंकि काफ़ी लोगों को अपनी मेमोरी को एक्सपांड करना रहता है। तो अब बात करते हैं कुछ कॉन्स की, मतलब कि जो चीज़ें इन्फिनिक्स को नहीं करनी चाहिए थी। तो हमें 2020 में मिलता है माइक्रो USB पोर्ट, 2020 के हिसाब से 10,000 में आपको USB टाइप सी पोर्ट देना चाहिए था, क्योंकि अब के ज़माने में टाइप सी ही चलेगा। नंबर अगर बात करता हूँ दूसरे नंबर की, तो डिस्प्ले, आप 10,000 के स्मार्टफोन में एक HD+ का पैनल दे रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप इसी प्राइस रेंज में फुल HD+ पैनल देते विथ 480 निट्स की ब्राइटनेस के साथ, तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता। और नंबर तीन की बात करता हूँ, तो आपको 18W का फास्ट चार्जिंग मिलता है, पर बॉक्स में कोई भी 18W का चार्जर नहीं देखता मिलता। तो फ़ोन खरीदने के बाद हमें एक्स्ट्रा पैसों से एक चार्जर खरीदना पड़ेगा, ये बहुत ही बुरी बात है। तो बात करें कंक्लूजन की, तो इन्फिनिक्स अब अच्छा काम कर रहा है। आपको 10,000 में 6GB रैम, 128GB ऑफ स्टोरेज दे रहा है। तो इन्फिनिक्स अब 2020 में बहुत सारे अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च कर चुका है। अब इन्फिनिक्स को कुछ अपनी कमियों को सुधार कर कुछ ऐसा तहलका मचाना चाहिए कि शाओमी और रियलमी दोनों को हिला दे। तो यही है मेरी विश इन्फिनिक्स के साथ, कि स्मार्टफोन में जितना कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा, हमें यूजर्स लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूँगा। क्या है आपके मन के विचार, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर किसी भी टॉपिक के बारे में आपको जानना है, तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा Doing just fine before I met you. I drink too much and that's